मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के किरातपुरा में दो समुदाय के बीच में जबरदस्त हिंसा की घटना सामने आई है। किरातपुरा में स्थित राम मंदिर के बाहर देर रात दो नौजवानों के बीच में अनबन हो गई, उसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई और यहां पर माहौल बिगड़ गया। जमकर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के गाड़ियों में भी हिंसक हुई भीड़ ने आग लगा दिया है। पुलिस ने हिंसा नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। घटनास्थल पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। वहीं सांसद इम्तियाज जलील ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक तरफ जहां रमजान का महीना चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी का पर्व भी है। लोगों से ऐसे शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं पुलिस ने इलाके में बड़ा बंदोबस्त लगाया है। फिलहाल जो है यहाँ पर स्थिति अब नियंत्रण बताई जा रही है। इस पूरे घटना को लेकर इम्तियाज जलील ने क्या अपील की लोगों से और पुलिस ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। भाइयों, मैं किरातपुर के राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। मैं ज़ाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। बस इतनी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। मैं राम मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर है किरातपुरे का, जहाँ पर मैं खुद आया हूँ और मैंने यहाँ पर देखा हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत यहाँ पर इस मंदिर के अंदर नहीं होगी। भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आज देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, आज रामनवमी का दिन है, यकीनन दो बड़े त्यौहार हैं। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके ये दोनों त्यौहार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू भाई रामनवमी मना रहे हैं तो रमज़ान हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे इस मुबारक महीने को ख़राब मत करिएगा। उसमें चंद नौजवानों लोगों के जोश की वजह से, जो हरकतें वो कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और किसी भी तरीके से शहर में अमन बरकरार रखे। करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किरातपुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए।